असलम एवरी वन वेलकम टू माई चैनल साइकोलॉजी फैक्ट्स बाय लारा सर स्टूडेंट्स आज के वीडियो का टॉपिक है उर्दू मीडियम सॉल्ट साइकोलॉजी पेपर ऑफ एफ ए पार्ट टू ऑफ टू थाउजेंड एटीन हम आज डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर यानी कि एफ ए पार्ट टू का टू थाउजेंड एटीन का सॉल्व साइकोलॉजी पेपर और इस वीडियो में हम सॉल्व एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे इस पेपर के उट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं एम सी क्यूज की तरफ सो so सबसे पहला एम सी क्यू है किस हयाताती और नफसियाती माहिर ने वकूफी नशो का नजरिया पेश किया अगर हम वकूफ़ की बात करें या फिर कागनीशन की या फिर कागनेटिव डिवेलपमेंट की या वूफ़ी नशोनमा की तो जेन पियाजे ने अपनी थेरी या नज़रिया इंट्रोड्यूस किया था जिसको पियाजे थेरी ऑफ कागनेटिव डिवेलपमेंट के नाम से भी पहचाना जाता है जिसके अकॉर्डिंगली एक बच्चा जो है वक्त के साथ साथ अपनी वक़ूफी नशोनमुमा में बेहतरी लाता है और उम्र के साथ साथ वो चीज़ों को समझना शुरू करता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जाता है नंबर दो पे है मोकल ऊंची इमारतों से सख्त घबराता है इसका कौन इसको कौन सा मर्ज ला हक है यानी एक क्लाइंट है जिसको जो बिल्डिंग्स हैं उनसे डर लगता है ह्यूज बिल्डिंग से जो है वो डर लगता है तो उसके अंदर जो है वो बेजा खौफ है जिसे हम स्पेसिफिक फोबिया भी कहते हैं कि एक इंसान किसी ख़ास एक स्पेसिफिक चीज़ से डरता है तो उसको हम कहेंगे कि इस पर्सन के अंदर स्पेसिफिक फोबिया की बीमारी है या फिर बेजा खौफ की बीमारी है इसमें बहुत सारी इकसाम हो सकती है कुछ लोग किसी ख़ास जानवर से डरते हैं कुछ लोग पानी से डरते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी प्लेस है कुछ लोग बंद जगहों से डर, डरते हैं कुछ लोग ओपन स्पेसेस से या फिर क्राउड से डरते हैं और उन कुछ इलामातर होते हैं जिसके बिना पर हम कहते हैं कि इस फला शख्स को ये मर जाए बेजा ख़ौफ़ की भी इकसाम है ठीक है कोई भी चीज़ हो सकती है इसके अंदर नंबर तीन पे है जब एक बूढ़ा आदमी अपनी जवानी की हसीन यादों से इंतहाई खुश महसूस करता है और ये कौन सा दफाई रद्दमल है इसका सही जवाब है पसकदमी यानी कि रिग्रेशन जब एक इंसान ऐसी चीज़ों के बारे में या ऐसी आ, ऐसे टाइम के बारे में सोचता है जो उसे खुशी महसूस कराती हैं जो उसे बेहतर महसूस कराती हैं और उस वक्त क्योंकि वो सिचुएशन नागवार सी होती है परेशान कौन होती है और वो अच्छी बातों को याद करके या अच्छे टाइम को याद करके बेहतर महसूस करता है तो इस पूरे प्रोसेस को या अमल को बसक़दमी कहा जाता है जिसे इंग्लिश में रिग्रेशन कहते हैं नंबर चार पे है अकली हिजान अंगेज़ किरदारी मुशावरत यानी रैशनल इमोटिव बिहेवियल थेरेपी में हर मौल अपने मोकल के साथ मिलकर मशकें घर पर तैयार करता है मतलब इसमें बेसिकली फोकस होता है कि क्लाइंट जो है वो घर में भी एक्टिविटीज परफॉर्म करे अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए अपनी इ जो है गैर अक्ली सोच है जो है अपने इमोशंस जो है वो यानी हिजान को इम्बेलेंस कर उसने रखा हुआ है अपने इमोशंस को सही से कंट्रोल नहीं कर सक रहा तो ओवरऑल घर में भी उसने देखना है कि किस तरह से मैं अपनी इस सोच को बदल सकता हूँ अपने हिजानात को एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ जिसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस यानी कि होम असाइनमेंट्स उनको दी जाती हैं नंबर पाँच पे है साइले के दबाव के रद्दमल के मॉडल को डैश कहते हैं इसका सही जवाब है जी ए एस जिसे जनरल अडेप्टिव सिंड्रोम भी कहा जाता है और ये इसने स्ट्रेस का मॉडल इंट्रोड्यूस किया था नंबर छः पे है सामाजियत डैश का अमल है समाजियत समाजी आमजिश का अमल है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ सीखता है ठीक है जैसे इसमें सिंपल हम कह सकते हैं कि सोशल लर्निंग एक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप से सीखता है आदात ख्यालात उसके अंदर जो आते हैं वो माँ बाप से आते हैं इसी तरह वो स्कूल जाता है तो वो टीचर्स से सीखता है अपने पीयर ग्रुप यानी अपने फ्रेंड्स अपने क्लास फैलो से सीखता है इसी तरह जैसे वो बड़ा बढ़ता जाता है जितना भी उसका फ्रेंड सर्कल होता है वही उस पर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उसके किरदार में इसी तरह अगर हम गेम्स की बात करें तो हर लिहाज से जो है वो लर्निंग हमारी दूसरों को देख के हो रही होती है हम बड़ों से सीख रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि समाजियत या फिर सोशलाइजेशन एक सोशल लर्निंग का प्रोसेस है यानी सामाजिक आमोजिश का अमल है जिसमें हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं नंबर सात पे है एक शदीद केस में खातून तीस साल के दौरान अपने घर से सिर्फ तीन दफ़ा बाहर निकलती हैं ये किस मर्ज़ का शिकार है इसका सही जवाब है समाजी खौफ का मर्ज़ यानी लोगों से डरना सोशल गैदरिंग से और बाहर निकलने का खौफ जो है इंसान के अंदर हो जाता है तो वो फिर बाहर निकलना ही नहीं चाहता उसको ये होता है कि बाहर का माहौल मेरे लिए नुकसानद है मुझे कुछ भी नुकसान हो सकता है तो ओवरऑल अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो उससे ये साबित होता है कि इस औरत को समाजी खौफ का से यानी सोशल इन्जाइटी है नंबर आठ पे है नई मालूम की वजह से पुरानी स्कीमा में रद्द बदल करना पड़े तो इसे डैश कहते हैं इस प्रोसेस को मुाफ़त कहते हैं मवाफ़त बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुराने स्कीमा या पुराने तस्वरत जो दिमाग में महफूज होते हैं उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स लानी पड़ती है ताकि नई इन्फॉमेसन को फेटन करना पड़े तो इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से लेते हैं कि एक चाइल्ड ने ये सीखा हुआ है कि बर्ड्स जो होते हैं उनके फैदर्स होते हैं और वो फ्लाई करते हैं जिस तरह से ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई ये उनका स्कीमा बना हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन जो है उनके दिमाग में महफूज है लेकिन कुछ टाइम बाद उनको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑस्ट्रिच जो है वो भी बर्ड है लेकिन ऑस्ट्रिच क्योंकि फ्लाई नहीं करता तो अब यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन को फिट करना जो है वो पुराने इन्फॉर्मेशन में नहीं हो सकता ऑलरेडी मतलब देख सकते हैं कि दोनों इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है तो जब इस इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए एक नया स्कीमा रेडी किया जाता है कि हाँ ऑस्ट्रिच बर्ड है लेकिन सम टाइम सम सम्ट बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई ठीक है उस कैटेगरी के अंदर हाँ आपने ये इंफॉर्मेशन भी सेव कर दी कि बर्ड्स के पास फैदर्स होते हैं बर्ड्स फ्लाई करते हैं लेकिन सम बर्ड्स इवन कैन नॉट फ्लाई लेकिन वो फिर भी बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं तो इस लिहाज से जब न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट इन करने के लिए कुछ चेंजिंग्स करने पड़ती हैं पुराने स्कीमा में तो इस प्रोसेस को मुआफ़त कहते हैं नंबर नाइन पे है अल्बर्ट एलिस यानी आर बी टी के बानी के मुताबिक बहुत से मसाइल किस किस्म की सोच की वजह से पैदा होते हैं अल्बर्ट एलेस ने जो है वो बेसिकली अल्बर्ट एलिस बानी है आरी बी टी रैशनल इमोटिव बिहेवियल थेरेपी का और इसके मुताबिक जो गैर मनतकी सोच होती है हमारी इ रैशनल थिंकिंग यही वजह बनती है हमारे जहनी मसाइल का ठीक है एक इंसान जो हर तरह से अपने आप को मनफ़ी सोचों में ही डुबा देता है या हम कह सकते हैं कि वो डूब जाता है मनफी सोच में उसको हर चीज़ जो है वो मनफी नज़र आती है और वह लोगों को भी जज भी करता है सो हर लिहाज से वो हर चीज़ में ही मनफी पहलू जब देखना शुरू कर देता है तो क्या होता है उसकी सोच जो है वो हम कह सकते हैं कि वो बहुत गैर मुंतकी हो जाती है जिसकी वजह से वो जहनी मसाइल और जहनी बीमारियों का शिकार होता है तो आर बी टी थेरेपी या रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के अकॉर्डिंगली हमने उनकी सोच को बदलना होता है उनको बताना होता है कि रियलिटी क्या है किस तरह से हर सिचुएशन को एनालाइज करना है सिचुएशन के हर मस्बत पहलू को भी देखना है और अपने आप को किस तरह से मुश्किल हालात में संभालना है सो so, इस लिहाज से अल्बर्ट एलिस ने फोकस किया कि हम अपनी गैर की सोच को जब मनतकी बनाएंगे तो हम बहुत सारे मसाइल का हल निकाल सकते हैं नंबर दस पे है कि इस मकतबा फिक्र के मुताबिक इंसान बुनियादी तौर पर अच्छी सोच का मालिक और तरक्की का ख्वा है अगर हम बात करते हैं इंसानियत पसंद आ, नज़रिए की या फिर मकतब फ़िक्र की तो ये फ़ोकस करता है कि इंसान जो है वो खुश रहना चाहते हैं अपने उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं वो तरक्की करना चाहते हैं और उनकी इन नेट ही पैदाइशी तौर पर उनकी अच्छी सोच होती है और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं नंबर ग्यारह जब फ़र्द दो पसंदीदा मकासद बैक वक्त हासिल करना चाहे और फैसला ना कर पाए कि कौन सा हासिल करे और कौन सा छोड़े तो इस तस्दम को दोहरा हसूली तसादम कहा जाएगा इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन के पास टू ऑप्शंस हैं जॉब्स की वो उसको दो जगह जॉब मिल चुकी है लेकिन वो डिसाइड नहीं कर सक रहा कि किस जगह जाए और किस जगह ना जाए तो इस सिचुएशन में वो कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन होती है जो स्ट्रेस की सिचुएशन होती है इसको दोहरा हसूली तसादम कहते हैं नंबर बारह पे है फ्रॉइड ने किस निज़ाम को शख्सियत का अकली पहलू करार दिया है यानी कि रैशनल एस्पेक्ट किस किस निज़ाम के अंदर है इसका सही जवाब है अना अन्ा जो है वो अकली पहलू पर काम करती है जात जो है वो हमेशा लाजात जो है वो हमेशा अपनी नीड्स पे फोकस करती है कि मेरी नीड्स और डिमांड्स कब पूरी की जाएँ और इमीडिएट चाहिए होती हैं उसको उसी वक्त उसकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी हो चाहिए होती हैं ठीक है ठीके? और फोकलना की अगर हम बात करें तो यह हमें सही गलत का फ़ैसला जो होता है उसमें उस मदद देती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है गुनाह क्या है सवाब क्या है और ना जो है वो अकली लिहाज से इन दोनों के मैसेज़ को कंसिडर करती है और एक राइट डिसीज़न लेती है अकल को इस्तेमाल करके नंबर तेरह पे है तरबियत एजाब का बरान हल कर लिया जाए तो बच्चों में कौन सी खासियत पैदा होती है बच्चे में ख़ुद मुख्तारी पैदा होती है कि उसको समझ आ जाती है कि वो एक काबिल शख्स है वो अपने आप को संभाल सकता है और अपने छोटे मोटे काम आ, कर सकता है इस लिहाज से वो ख़ुद मुख्तार होना शुरू हो जाता है नंबर चौदह पे है तसब का किरदारी पहलू इम्तियाजी कहलाता है नंबर पंद्रह पे है समाजियत में अहम तरीन माशर्ती इदारा कौन सा है समाजियत की अगर हम बात करें या फिर सोशलाइजेशन की तो सबसे पहले सोशलाइजेशन एक बच्चे की खानदान से स्टार्ट होती है तो आपके सामने जो भी ऑप्शनज हो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो हो होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहलाया जाएगा वो खानदान ही होगा यानी फैमिली होगी जहाँ से बच्चा इंफॉर्मेशन लेता है सीखता है बड़ों से और वहीं से उसकी समाज जो है वो स्टार्ट होती है नंबर सोलह पे है दर झेल में से कौन रवैये की बुनियादी अज्जा में शामिल नहीं है रवैये के अगर हम बुनियादी अज्जा की बात करें तो तीन है जिसमें सबसे पहले आता है एफेक्ट जिसको इंग्लिश में ए से डोनेट किया जाता है जिसे एहसास कहा जाता है बी यानी कि बिहेवियर और जिसे किरदार कहा जाता है सी यानी कॉग्निशन जिसे वक़ूफ़ कहा जाता है और ये रवैये के अजा को ए बी सी के नाम से भी याद किया जाता है तो ये तीन अजसा जो है बुनियादी अजा कहलाते हैं रवैये के मकासद जो है वह रवैये के अजा में शामिल नहीं है नंबर सत्रह पे है फर्द को रहनमाई की ज़रूरत का पेश आती है फ़र्द को रहनमई की जरूरत पेश आती है जब वो किसी बहरान में और किसी भी क्राइसिस में जिसमें वो ख़ुद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सक रहा प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर सक रहा उसको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से उसने मसाइल का हल निकालना है सो so, इस सिचुएशन में उसको रहनुमाई या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है नंबर अठारह पे हकीकी और मिसाली ज़ात में डैश से फ़र्द में नफ्सियाती मुताकत पैदा होती है हकीकी और मिसाली ज़ात में मुासिलत से फ़र्द में नफसिया मुताबकत पैदा होती है एक इंसान हक़ीकी तौर पर क्या है उसकी आदात उसकी खसलात क्या हैं और वो अपने आप को उसने एक मिसाली ज़ात अपने अंदर क्या रखी है कि वो किस तरह से बनना चाहता है उसकी सोच क्या है अगर इन दोनों चीज़ों में ममासलत होगी या दोनों चीज़ों में कह सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो तभी मुताबकत जो है वह रहेगी नफसियाती मुताबकत होगी और वो किसी भी नफसियाती मसले का शिकार नहीं होगा जब इंसान अमल कुछ कर रहा होता है और उसकी मिसाली ज़ात जो है वो कुछ और होती है yani यानी उसका आइडियल कुछ और होता है और वो कुछ और कर रहा होता है तो अंदर से एक तसादम जो है वो पैदा होता है कॉन्फ्लिक्ट जो है वाइज होता है जिसकी वजह से ममासिलत जो है वो ख़त्म हो जाती है और इंसान जो है वह नफसियाती मुताबत भी खो जाता है तो बेहतर यही होता है कि इंसान का हकीीकी और मिसाली जात जो है वो आपस में ममासलत अख्तियार करे नंबर उन्नीस पे है अहदाम का तरीका बीमारी के इलाज में इस्तेमाल मुश्तमिल है, है।, है।, है कोलबर्ग के मुताबिक अगर अखलाकी नशुनुमा की बात की जाए तो तीन मनाजिल हैं थ्री स्टेज हैं जिसके जरिए कोलबर्ग ने अपनी थेरी में बताया कि ओवरऑल अगर हम मोरालिटी की बात करते हैं तो थ्री टेज, थ्री स्टेज़स से गुजर के इंसान जो है वह अखलाकी नशोनुमा को हासिल करता है या फिर उस तक पहुँचता है थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप मज़द वीडियोज़ भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर मेरे चैनल को विज़िट करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू